नमस्कार दोस्तों। तो बॉलीवुड के भाईजान यानी कि मेगा स्टार सलमान खान की साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान उनके कैरियर की एक ऐसी फिल्म है जिसे कि दोस्तों उनके फैंस के साथ साथ उनके हिटर्स की तरफ से भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे में दोस्तों सभी को इंतजार था इस फिल्म के सीक्वल का, जिसको लेकर दोस्तों अभी हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म का जो सीक्वल है यानी कि दोस्तों बजरंगी भाईजान 2, इस फिल्म का दोस्तों टाइटल अब रखा गया है पवन पुत्र भाईजान। ऐसे में दोस्तों फिल्म पवन पुत्र भाईजान फिल्म की शूटिंग और इस फिल्म के रिलीज को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि फिल्म बजरंगी भाईजान एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें कि दोस्तों हमें सलमान खान और करीना कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म का दोस्तों निर्देशन किया था कबीर खान ने, वहीं फिल्म की कहानी लिखी थी केवी विजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि दोस्तों बाहुबली जैसी फिल्म की भी कहानी लिख चुके हैं। ऐसे में दोस्तों केवी विजेंद्र प्रसाद जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म पवन पुत्र भाईजान की शूटिंग और इस फिल्म के रिलीज को लेकर बात की है, जहां पे उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी पे वो काम शुरू कर चुके हैं और सब कुछ ठीक रहा तो साल 2022 में वो इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और साल 2022 के ही एंड या फिर साल 2023 की स्टार्टिंग से फिल्म में पवन पुत्र भाईजान की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और प्लान के अकॉर्डिंग सब सही रहता है तो साल 2023 के एंड में या फिर साल 2024 की स्टार्टिंग में फिल्म पवन पुत्र भाईजान हमें सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। आपको बताते चले दोस्तों की फिल्म पवन पुत्र भाईजान बजरंगी भाईजान से भी ज्यादा खास फिल्म रहने वाली है और इस फिल्म की कहानी में दोस्तों केवी विजेंद्र प्रसाद जी कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और इस फिल्म की दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हाल ही में सलमान खान ने फिल्म RRR के प्रमोशनल इवेंट के दौरान भी कर दी थी। ऐसे में दोस्तों अब सबकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द सलमान खान अपने सभी प्रोजेक्ट्स निपटाकर पवन पुत्र भाईजान की शूटिंग स्टार्ट करें और जल्दी से ये फिल्म हमें सिनेमाघरों में देखने को मिले। वैसे दोस्तों आपको बताते चले कि पवन पुत्र भाईजान फिल्म के अलावा सलमान खान हमें टाइगर 3, पठान, गॉडफादर, कभी ईद कभी दिवाली, नो एंट्री 2, ब्लैक टाइगर और दबंग 4 जैसी कई सारी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों फिल्म पवन पुत्र भाईजान को लेकर आप भी एक्साइटेड हैं या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्मी दुनिया और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।